संभल के चंदौसी में कोरोना काल में डॉक्टर के मनमानी गरीब बीमार मरीजों की काड़ी कमाई को लूटने का कर रहे हैं काम। डॉक्टर द्वारा लिखी दवाइयों का एक ही दिन का मान्य पर्चा लिखने पर सीएमओ ने जताई नाराजगी। कहा, आइए मैं संगठन के मुखिया से बात करेंगे। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी के डॉक्टर सलील दीक्षित का है, जहाँ डॉक्टर ने अपना परामर्श शुल्क 300 रुपये रखा है और डॉक्टर का यह परामर्श शुल्क के दवाई का लिखा पर्चा मरीज के लिए सिर्फ एक ही दिन का मान्य है। जबकि जनपद संभल के सीएमओ की माने तो किसी भी डॉक्टर का परामर्श शुल्क दवाइयों को लिखा पर्चा 7 दिनों तक मान्य होना चाहिए। ऐसे में अगर बच्चों के डॉक्टर सलील दीक्षित के मरीज को अगर दूसरे दिन परामर्श लेना पड़ा तो उसको 24 घंटे के भीतर दोबारा परामर्श शुल्क 300 रुपये खर्च कर डॉक्टर सलील के पास जाकर दवाई लेनी होगी। एक तरफ लोग डॉक्टरों को कोरोना काल में कोरोना वॉलेंटियर मानते हैं, मगर जनपद संभल के चंदौसी के इन डॉक्टर का हाल तो देखिए, जो गरीब बीमारों का पैसा दवाई लिखने के नाम पर लूटा जा रहा है। जब मीडिया ने सीएमओ संभल अजय कुमार सक्सेना से इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने डॉक्टर का ये रवैया गलत बताकर आईएमए संगठन से बात कर डॉक्टर के बर्ताव में सुधार लाने की बात कही। जो पर्चा बनाने के 300-500 रुपए चार्ज करते हैं और अगले दिन अगर जाओ तो फिर वो वही अपनी फीस चार्ज करते हैं, जबकि 3 से या 5 दिन का पर्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने संज्ञान में बात मेरे लगाई है, आईएमए के साथ मेरी शीघ्र ही बैठक होने वाली है, उसमें जो है कहते हैं मैं इस प्रस्ताव को रखूँगा कि इस तरीके से अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो वो गलत है। और जिन व्यक्ति विशेष के बारे में आपने मुझे बताया उनसे उम्मीद है कि कहते हैं जो है मैं आज ही जो है जा करके संपर्क करता हूँ कि ये चीज़ जो है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि नियम क्या है? देखिए, नियम तो जो है कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं वो, उन्होंने अपनी विशेषज्ञता के हिसाब से अपना बना रखा है। कोई 500 फीस लेता है, कोई 1000 फीस लेता है और बहुत से लोग जो है कहते हैं फीस छोड़ भी देते हैं। अब किस मरीज से लेते हैं, किससे छोड़ते हैं, ये सब उनके विवेक पे है, लेकिन चिकित्सक जो है कहते हैं थोड़ी चिकित्सक को थोड़ी सहानुभूति रखनी चाहिए। और जैसे रोज का पर्चा कर दिया गया है, अगर ये गलत है, ये गलत है, रोज का पर्चा जो है ऐसा। कितने दिन होने चाहिए पर्चे में? कम से कम 7 दिन, क्योंकि कोई भी अमूमन दवा चिकित्सक लिखता है तो उसमें 5 मिनिमम 5 डेज मैक्सिमम 7 डेज के बाद में ये आप आके संपर्क करिए। और इस बीच में जो है कहते हैं आप टेलीफोन ही करिए, क्योंकि कोविड चल रहा है इस समय, जरूरी नहीं कि आप क्लिनिक पे जाके डॉक्टर को दिखाएं। आप जो है टेलीफोन से भी अपनी बात कह सकते हैं कि सर इस तरीके से ये महसूस हो रही है परेशानी, तो कुछ और ऐड करना है या कहते हैं उसी को कंटिन्यू रखना है, जो है ये चीज़ें सारी हो सकती हैं। कम से कम 7 दिन।